हम बात कर रहे हैं क्यूपिट लिमिटेड की। आज के दिन की बात करें तो क्यूपिट लिमिटेड में ऑलमोस्ट हमको 2% तक की गिरावट देखने के लिए मिल रही है, 2% तक की गिरावट। इस गिरावट के साथ हम देख सकते हैं स्टॉक जो है 91.06 पैसे पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। जब स्टॉक ने सर्किट लगाए थे, लगातार तेज़ी दिखाई थी, हमने कहा था कि स्टॉक रिजेक्शन ले सकता है और बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने के लिए मिल सकती है। इस बात को हम इससे पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके थे। नीचे की ओर जो लेवल है 9250 का लेवल, इसके लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा और इसके ब्रेकडाउन के बाद 90 से लेके 84 तक का फॉल स्टॉक दिखा सकता है, ऐसा हम डिस्कस कर चुके थे। देख सकते हैं स्टॉक ने 9250 के लेवल को ब्रेकडाउन किया और 90 के लेवल पर ही सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है। लगातार सेलिंग देखने के लिए मिल रही, गिरावट देखने के लिए मिल रही। यहाँ से और गिरावट क्यूपिट दिखाता नज़र आ सकता है, इसलिए इससे दूर रहना ही ठीक रहेगा। इसमें फ्रेश बाइंग को अवॉइड करके चलना ठीक रहेगा। पैसा आपका है, चॉइस आपकी है। तो नीचे की ओर 90 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट है, ब्रेकडाउन कर जाता है तो हम देख सकते हैं कहाँ सपोर्ट लिया था इससे पहले, 85-86 का लेवल। और इस गिरावट के साथ स्टॉक में 82.50 से लेके 80 तक का फॉल स्टॉक दिखा सकता है, यहाँ तक की गिरावट स्टॉक में देखने के लिए मिल सकती है। स्टॉक को किसी भी एक लेवल पर 2-3 दिन सस्टेन होने देते हैं, बल्कि 2-3 दिन से ज़्यादा भी अगर सस्टेन होने दिया जाए तो ठीक रहेगा। 2-3 दिन सस्टेन होने देते हैं किसी एक लेवल पर। अगर सस्टेन हो जाता है किसी एक लेवल पर भी, तो वैसी कंडीशन में फिर यहाँ से जब बाउंस बैक करेगा तो इसमें रिकवरी के चांस बनेंगे। इसलिए फिलहाल स्टॉक गिरावट दिखा रहा है। अगर जंप आता भी है तो 100 तक का जंप दिखाएगा। 100 इसका मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। इस लेवल को ब्रेकआउट अगर करता है, लेकिन ब्रेकआउट से काम नहीं चलेगा, ब्रेकआउट के बाद सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट है 3-4 दिन तक, तो वैसी कंडीशन में फिर इसमें तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल स्टॉक गिरावट दिखा रहा है, यहाँ से और गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, तो थोड़ा सा अवेयर रहना ही ठीक रहेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।